Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Guys, mera आप लोगों को आज यहाँ पे रुकने का, एक डेजर्ट के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। इस टाइम आप देख रहे होगे हरा भरा सा है यहाँ पे। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमने रात को बारबेक्यू की थी, तो मुझे रात को इतना नोटिस नहीं हुआ इस चीज़ के बारे में जितना मैंने अभी चेक किया है। तो ये जो यहाँ से गाड़ियाँ अक्सर गुजरती हैं, ये देख लें, पूरा डेजर्ट है इस तरीके का है, ठीक है। ये सारी रेत है, शायद आपको सही तरह नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ ना, ये एक किस्म का ऐसे का जैसे ये ग्रीन नज़र आ रहा है पूरा। इतनी घास उगी हुई है और नेचुरल घास उग रही है। ये मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में कभी भी डेजर्ट वाली साइड पे कभी भी ऐसी घास वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो लेकिन अभी जो सा है, मैंने देखा है कि यहाँ पे सुबह सुबह निकला हूँ, मैं नोटिस कर रहा था कि यार ये पूरी जो रेत है ये ग्रीन कलर की क्यों हुई पड़ी है। मैंने कहा शायद किसी ने कलर फेंका हो या कोई और मसला मसाला है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो ये जो सा है, क्या कहते हैं इसको, खास कुछ अर्से पहले मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी थी, किसी सऊदी के लड़के ने डाली थी वो वीडियो, कि वहाँ पे जो डेजर्ट है वहाँ पे ग्रीन कलर की घास उगनी शुरू हो गई है नेचुरली, और पूरा ग्रीन जो डेजर्ट था, जो रेत का एक जैसे पहाड़ नहीं होते ऐसे, ऊपर उनके घास उगना शुरू हो गई थी, घास और हरियाली यानी कि स्टार्ट हो गई थी। तो उसने नीचे पूरे डिटेल से बताया था कि ये पता नहीं कौन सी हदीस में या कहाँ पे, हालांकि मुझे इतना नहीं पता इस चीज़ के बारे में, ऐसी कोई गलती ना हो जाए मुँह से। तो मैंने भी व्लॉग देखा था उसका कि ये क़यामत की निशानी है कि अरब के जो उनसे ये हैं यानी कि रेतली इलाके जो उनसे वो हरे भरे होने शुरू हो जाएंगे। मैंने बस इसको ना इग्नोर किया था, मैंने कहा यार ऐसी है बस, ये सऊदी अरब में पता नहीं है नहीं है, सिर्फ एक बंदे ने वीडियो डाली हुई है पूरे यूट्यूब में, और किसी को वीडियो नहीं मिली डालने के लिए। तो आज यही चीज़ मैं इधर दुबई में, अभी अजमान से शारजा की तरफ दुबई की तरफ जा रहा था, तो मैंने वही चीज़ देखी है। मैंने राइट और लेफ्ट मेरे ना इस टाइम पे, यहाँ पे एक मेन रोड है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, इसके ना राइट लेफ्ट पे पूरा डेजर्ट ही होता है। मैंने जो वीडियो आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाई है वो वीडियो मैंने मोटरवे के ऊपर रुक के, तो जाहिर बात है वहीं पे जितनी बना सकता था मैंने बना ली, क्योंकि कैमरा आप लोगों को सही तरह दिखा नहीं सकता है। अगर मैं यहाँ से कैप्ट करूँ ना पिक्चर या जूम करूँ तो वो सही तरह दिखा नहीं सकेगा आप लोगों को। ये नेचुरल निकल रही है, जो चीज़ सऊदी में थी वो चीज़ अब यूएई में भी नोट की जा रही है, ठीक है। यहाँ तक के जो पहाड़ है यहाँ पे, जैसे अपने इस्लामाबाद वाली साइड पे ऐसे, यानी कि पहाड़ों पे भी थोड़ी थोड़ी आप देखेंगे ये घास जगह जगह ना उगनी शुरू हो गई है। तो ज़ाहरी बात है अगर इस बारे में किसी को बेहतर पता है तो नीचे कमेंट्स करें, क्योंकि मैंने भी दो तीन ब्लॉग देखे थे, वो कह रहे थे जी क़यामत की निशानियों में कि रेतले इलाके जो हैं अरब के वो जी हरे भरे होने शुरू हो जाएंगे। वैसे ये बात हकीकत है, यहाँ पे घास जो सी है ये नेचुरल उगना बहुत यानी कि डिफ़िकल्ट होता है रेत के अंदर, तो क्योंकि इन्होंने भी वो जो दरख्त होते हैं ना ला ला के लगाए हमें, ठीक है, अंदर उनको फिर फर्टिलाइज करते हैं, फिर पानी के पाइप, इन्होंने एलिवेशन सिस्टम अपना दिया हुआ है, और ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे दुबई में। मैंने 10 साल में कभी कुछ नहीं देखा है एनीवे। तो मिलते हैं अनदर व्लॉग के अंदर, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी थी वो मैंने कर दी आप लोगों से, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। Are you ready? Ready.